वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज है, सेवानिवृत्त रिटायर्ड अफसरों के साथ आज बैठक करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा विदों संघ सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे, संवाद करते हुए दिखाई देंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम है जिसमें कि रिटायर्ड अफसरों के साथ बैठक करते हुए मंथन करते हुए दिखाई देंगे, तमाम विद्वानों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। शिक्षा विदों की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा विदों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज वार्ता करते हुए दिखाई देंगे। सेवानिवृत्त जो अफसर है प्रदेश में रिटायर्ड अफसरों के साथ आज बैठक का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा विदों संघ सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड अफसरों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, किन मायनों में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं इस बैठक को, क्या कुछ अहम बिंदु रहेंगे इस बैठक के? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करते आ रहे हैं। जहां पहले उन्होंने प्रदेश के सभी मंडलों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया, उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ भी लगातार बैठकों का दौर चलाया, उनकी समस्याएं सुनी, जो वहां उनके क्षेत्र की जरूरतें हैं उनके बारे में सुना। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट भी किया कि अगर किसी के क्षेत्र की कोई विशेष जरूरत है तो उसको तत्काल प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया जाए। विधायक 3-3 करोड़ का और सांसद 5-5 करोड़ के प्रस्ताव दे सकते हैं जिससे उन पर काम चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे प्रबुद्ध जनों के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कैसे सरकार विभिन्न योजनाओं को लेकर पूरी तरीके से जागृत है और लगातार उन योजनाओं पर बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कराया जा रहा है। हालांकि अगर हम आज की बैठक की बात करें तो इसमें भी जो रिटायर्ड हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर वो शिक्षाविद रहे हो, सीधे तौर पर ये प्रबुद्ध जन से आते हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद है और संवाद के दौरान कहीं ना कहीं चीजें देखने की जरूरत होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम कर रही है, उसके लिए जो रिटायर्ड शिक्षाविद हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा कार्य अनुभव है, उनके पास अपने अनुभव हैं, उन अनुभवों का फायदा उसमें लिया जाए, जो उनके सुझाव हैं उनका इंप्लीमेंटेशन कराया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, कैसे शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको बेहतर कर रही है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर रही है, सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले उसके लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर बेहतर ढंग से कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाएं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में ये संवाद निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। इसके क्योंकि सेवानिवृत्त अफसर अपने में ही उनका एक अनुभव होता है, हर एक का जो पक्ष है, हर एक का विषय पर उनकी एक अलग समझ होती है, उनके साथ संवाद करने का सीधा मतलब ये होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की ओर अग्रसर है। बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, सीधे तौर पर जो रिटायर्ड होता है वो 60+ होता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो जीवन में जो अनुभव रहे हैं, जो चीजें उन्होंने देखी हैं, उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको वो बेहतर ढंग से समझते हैं और उत्तर प्रदेश की क्या जरूरतें हैं उसके बारे में भी उनके पास लंबा अनुभव होता है। यही एक वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब उनके साथ संवाद करेंगे तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री की बातचीत उनको उनके साथ होगी और एक कोशिश भी होगी कि इसके जरिए से क्षेत्र की समस्याओं को समझा जाए, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उनके अपने अनुभव और सुझाव क्या हैं वो लिए जाएं, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या चीजें अभी तक की गई हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए क्या चीजें और अमेंड की जा सकती हैं, इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके साथ ये चर्चा करने वाले हैं, तो खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चीजें बेहतर ढंग से क्रिया खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा मिले, तो उसके लिए क्या चीजें की जा सकती हैं, इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री का यह संवाद आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगा। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।